उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में 17 दिन से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन बीते दिन 28 नवंबर को पूरा हुआ और सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को नई जिंदगी मिल गई। टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों को एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। अब मजदूरों की अस्पताल से पहली तस्वीर सामने आ रही है। दरअसल हॉस्पिटल से अब मजदूरों की खाना खाते हुए फोटोज वायरल हुई हैं। तस्वीरों में मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती है। सभी मजदूर हॉस्पिटल में काफी खुश नजर आ रहे हैं और सुकून के साथ खाना खा रहे हैं। बीते 17 दिनों के बाद मजदूरों के लिए ये सबसे सुखद पल है। बता दें कि 12 नवंबर की सुबह करीब 5:30 पर उत्तरकाशी का टनल हादसा हुआ। ये मजदूर इसी सुरंग में काम कर रहे थे, तभी सुरंग धस गई और मजदूर 60 मीटर लंबी मलबे की दीवार के पीछे फंस गए। इस हादसे के बाद सबसे पहली चुनौती थी मजदूरों की स्थिति जानने की। मलबे की वजह से वॉकी टॉकी ने काम करना बंद कर दिया था। तब उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DMA और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF की टीम को लगा दिया। इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो गई। मजदूरों का हालचाल जानकर उन्हें सुरक्षित रखने की कवायद होने लगी। इस प्रयास में काम आया 4 इंच का एक पाइप, जिसे एक दिन पहले ही सुरंग का पानी बाहर निकालने के लिए बिछाया गया था। इसी पाइप के पास वॉकी टॉकी का सिग्नल मिला और मजदूरों से बातचीत होने लगी। इसी पाइप के जरिए पता चला कि सभी बच गए हैं लेकिन फंसे हुए हैं। इसके बाद उन्हें भूख लगने लगी, लेकिन कोई ऐसा माध्यम नहीं था जिससे कि उन्हें भोजन भेजा जा सके। बाद में मजदूरों को पाइप से कंप्रेस के जरिए ऑक्सीजन, दवाइयां और कुछ खाने पीने की चीजें जैसे कि चने और ड्राई फ्रूट्स भेजे जाने लगे। सभी मजदूर इससे किसी तरह अपनी भूख शांत कर उस पल का इंतजार करते रहे जब उन्हें बचाकर बाहर निकाला जाएगा। मजदूरों ने तमाम परेशानियों का सामना किया, निराशा से लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा और आखिरकार 17वें दिन इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। मजदूरों को बाहर निकालने के बाद सुरंग के बाहर खड़ी एम्बुलेंस के जरिए उन्हें सिलकियारा से 30 किलोमीटर दूर चिन्यालीसौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां मजदूरों के लिए 41 बिस्तर का वार्ड तैयार रखा गया था। मजदूरों के बाहर निकलते ही वहां खुशी का माहौल था। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया, कुछ लोगों ने पटाखे भी फोड़े। सुरंग के बाहर कुछ लोगों ने हर हर महादेव और भारत माता जय के नारे भी लगाए।